नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जलगांव जिले के जामनेर तालुके में हजरत शाहजान शाहवली दरगाह व क्षेत्र का विकास कार्य किया जाए। दरगाह ट्रस्टी व जिम्मेदारों ने मंत्री गिरीश महाजन व नगर परिषद जामनेर से बीते दिनों निवेदन देकर मांग की थी व ऐसे में 17 अगस्त गुरुवार को नगर परिषद जामनेर ने 1 करोड़ की निधि मंजूर कर हजरत शाहजान शाहवली दरगाह के विकास कार्य का उद्घाटन मंत्री गिरीश महाजन के हाथों किया गया। बता दें कि इस निधि से दरगाह क्षेत्र में गार्डन वॉल कंपाउंड कर दरगाह पर आने वाले नागरिकों को अन्य सुविधा प्रदान की जाएगी। इस समय लोक नियुक्त नगर अध्यक्ष साधना महाजन, माझी उप नगर अध्यक्ष, बीजेपी प्रमुख कार्यकर्ता व सभी व अन्य नागरिक उपस्थित थे। शादी हॉल भी आपके मतलब मुझे नहीं लगता कोई तहसील में इतने शादी हॉल होगी। आप पूरे महाराष्ट्र में घूमते हो, कोई तालुका प्लेस में मुझे बता दो कि भाई ऐसा शादी हॉल है कहीं। कितने बड़े शादी हॉल कर दिए, कितने कर दिए, एक नहीं, एक दो तीन चार चार जितने शादी हॉल ओपन कर दिए। नहीं तो पहले हम रस्ते पे बैठते थे, मिट्टी उठती थी, वही खाना खाते थे, रस्ते हो गए, उसका भी मैं पेंट कर रहा हूँ, मैं उसको सब पेंट कर रहा हूँ। को बोल दिया कि बहुत गंदा हो गया, बहुत साल हो गए, उसका पेंटिंग का एक टेंडर निकालो, ये महीने भर में बारिश खत्म होगी तब तक उसका एक आओगे सितंबर अक्टूबर में पूरा पेंट, नया पेंट सब पूरे जितनी बिल्डिंग सही है माड़ा की उसको क्या करना है, ऊपर से वाटरप्रूफिंग कर दो, जो जो भी करना है। लेकिन शादी खाने के बारे में मैं कहूंगा कि इतने शादी खाने कहीं नहीं होंगे। करोड़ करोड़ रुपए देके, डेढ़ दो करोड़ रुपए देके अपन इतने बड़े शादी खाने बनाए हैं। आज आप कहीं भी जाओ, कोई भी जाओ, फिर तालुके में कहूंगा कि लागर जाओ, क्या पारोला जाओ, क्या अम्बलनेर जाओ, क्या भुसावल जाओ, इतने बड़े शादी खाने आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी अच्छी सुविधा, इतनी अच्छी सुव्यवस्था। नहीं तो पहले हम लोग वही फकुंडे में बैठते थे, वही हवाई की वही मिट्टी खाने में जाती थी, वही गंदगी जाती थी। आज इतनी अच्छी सुविधा मुझे लगता है जामनगर में अपन ने पहली बार की है। जहाँ जहाँ भी बना, तुम्हें विश्वविद्यालय में कहा हमने उधर जहाँ जहाँ भी बनाया, शौचालय के लिए भी जो अपनी बहुत बड़ी परेशानी थी, तकलीफ थी आपके लिए, हमारे बहनों के लिए कि भाई शौचालय के यहाँ कहा जाए, हमारे टॉयलेट नहीं है। इतने अच्छे टॉयलेट आपने देखे होंगे, अपने घर में भी नहीं होंगे, हमारे घर में नहीं होंगे, इतने अच्छे टॉयलेट अपन ने पब्लिक टॉयलेट बना दिए। वहाँ पे सुविधा रखी है, वहाँ पे आदमी रखे स्वच्छता करने के लिए, ये वो एक ऐसे कहीं नहीं है। इतनी अच्छी सुविधा हम लोगों ने यहाँ पे दी। शिक्षा के लिए भी आपने देखा होगा कि बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेटेड होंगे, उसके लिए हमारी कोशिश पूरी रही है। इसलिए हमने वहाँ भी आखिर तक रास्ता कर दिया है, आपको इकरा दे दिया इधर, इकरा मीट कर इतने बच्चे 1500 के ऊपर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, जो लोगों के इधर पढ़ के इंग्लिश भी पढ़ने में पाक के साथ भी लग जाती थी, वो आज पहली के क्लास में आज इतना अच्छा इंग्लिश बात कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े, कोई अनपढ़ ना रहे। जेडपी स्कूल अच्छी अपनी, जेडपी की स्कूल आपने देखा होगा, अभी कितने बच्चे उसमें, बहुत है, पहले कितने थे, उधर स्कूल थी, सबका कहता था बहुत लंबा आना पड़ता है, बच्चे आने में टाला टाल करते हैं, माँ बाप भी भेजने में थोड़ा टाल लेते हैं, आप इधर बढ़ा दो, ट्रैफिक कितना है, थोड़ा डर लगता है। मैंने भी आपकी बात मान ली, जब बीओटी हुआ तो आपके लिए जगह ली, ठेकेदार को बोला तो जगह बिकट ले, उसने करोड़ों रुपए खर्चा करके जगह बिकट ली, वहाँ पे इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई है कि मुझे नहीं लगता कि दो चार पांच जिले में जिला परिषद महाराष्ट्र में मैं कहूँगा इतनी अच्छी उर्दू स्कूल कहीं है जिला परिषद नहीं, 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 कहीं नहीं होगी। इतनी अच्छी स्कूल वहाँ पे अपन ने बनाई, अभी बच्चों की इतनी भीड़ वहाँ पे है, पूरा स्कूल पैक है, वहाँ पे अच्छे टीचर भी, वहाँ पे अच्छी शिक्षा वहाँ दी जाती है। मुझे लगता है सभी बातों का ध्यान हमने यहाँ पे रखा, सभी बातों का, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बुजुर्गों के लिए भी वाचालय दिया है, उनके लिए सीनियर सिटीजन के लिए हॉल भी हमने बनाया है, सभी बातें, व्यायामशाला हमने बना के दिए, अभी विश्वनाथ नगर की और मांग रही है वो भी अपन पूरी कर देते हैं, अभी उसमें अभी उसका भी काम अपन दो महीने में शुरू कर देंगे, उसका एक खराब ले लेंगे। मुझे लगता है जो जो भी जरूरी है, जो जो भी आपको चाहिए, वो सभी बातें बच्चों आगे पढ़ेंगे, तो बच्चे का 9वीं-10वीं पढ़ते हैं, बाद में फिर काम पे लग जाते, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एजुकेटेड कैसे होंगे, अगर बच्चे एजुकेटेड होते हैं फिर गलत काम से अलग हो जाते हैं, तो फिर काम नहीं है, घूम रहे हैं, अभी ट्रक का धंधा भी तो बन जैसे हो गया है, क्या करेंगे हम लोग।
अब ये धंधा बंद करो क्या, भंगार लाएंगे, भंगार बेचेंगे, ये करेंगे, बुढ़ी के मारेंगे, बंद करो ये सब। अच्छी एजुकेशन रेवड़ी जी की ये सोच है, अभी रेवड़ी जी की सोच है, दुकान बंद कर रहे क्या? बराबर ये निकलने के पहले उसको जॉब मिलना चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए, उसका हक है। नहीं तो बीकॉम हो गए, एमकॉम हो गए, एमए हो गए, बीए हो गए, सब हो गए, एमएससी एमएससी हो गए और जॉब कोई नहीं दे रहा है। इंजीनियर होने के बाद आज जॉब नहीं मिलता, तो जॉब पे आधारित ही शिक्षा बननी चाहिए, उसकी उसी हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। क्यों बाहर स्कूल के बाहर कॉलेज के बाहर जाते बराबर उसको जॉब मिलना चाहिए, उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसको पगार मिलना चाहिए। ये सोच भी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की कितनी योजना है जिसका लाभ हमको आज मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, हर घर को शौचालय मिल रहा है, हर घर को गैस मिल गया है, हर मकान हर आदमी को भी मकान मिल रहा है बांध के। अभी भाड़ा की स्कीम में से हम नए मकान और बना रहे हैं, अपने नाके के पीछे पुराना उसके पीछे हम सोचते कि वहाँ भी और चार पाँच छह बिल्डिंग बना के जो जिनको घर नहीं है उनको मकान हम देने जा रहे हैं। सभी बातें अभी नई स्वास्थ्य की योजना निकली है, किसानों के लिए बीमा की योजना, एक रुपये में अपनी बीमा निकालते जो किसान है उनका। अभी स्वास्थ्य की योजना निकली है, 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य की सब योजना सेवा आपको मुफ्त हम लोग दे रहे हैं। किसके घर में कोई भी बीमारी हो, 5 लाख का खर्चा है, ब्रेन का ऑपरेशन है, हार्ट का ऑपरेशन है, स्पाइन का ऑपरेशन, कोई भी बीमार हो, एक्सीडेंट हो गया हो, 5 लाख रुपए तक का खर्चा अभी सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। देवेंद्र जी ने, एकनाथ जी ने, अजीत नवीन इसी अधिवेशन में कहा, डिक्लेयर किया है कि 5 लाख रुपए क्या लो, उतने भी कार्ड की जरूरत नहीं है, कार्ड कौन सा भी रहो, सफेद रहो क्या लाल रहो क्या पीला रहो, अभी हर आदमी को स्वास्थ्य की सेवा दी है 5 लाख रुपए की। केंद्र सरकार ने हमारे युवा पिछले साल निकाला, 2 साल पहले उन्होंने 5 लाख रुपए लेके रखे हैं, इसलिए आदमी को अभी हर तरह से मुझे लगता है इतनी सुविधा ये देश में पहली बार देने वाली सरकार है, पहली बार। और इसमें ऐसा भेदा भी नहीं गया कि हमको होगा तुमको नहीं मिलेगा, 1 रुपए की योजना इंश्योरेंस है, खेत का इंश्योरेंस है, तुमको है ही नहीं क्या, शौचालय है तुमको भी मिल रहे हैं, मकान आपको भी मिल रहे हैं, गैस की सुविधा आपको मिली है कि नहीं, सभी को मिले, जिनके कार्ड है उनको सभी को सुविधा मिली है, ऐसे कोई 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 ये नहीं है समाज का घटक कि उसको नहीं मिली है। फिर वो मातम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबके लिए पूरी एक स्कीम है। आप बीमार गए तो आपको भी 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। आपकी आपकी गलती से दुर्भाग्य से कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट की जरूरत है, बम्बई जाना है तो आपको भी 5 लाख रुपए की सुविधा है, हमको भी है। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि कोई भेदभाव न रखते हुए हर एक आदमी जो देश का नागरिक है उसको सेवा देने का काम ये सरकार कर रही है। और इतना आखिरी आदमी के बारे में सोचने वाली सरकार ये पहली बार हुई, पहली बार 9 साल में मोदी जी जिस तरह से देश को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, आज मैं कहूंगा आने वाले 5 साल में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी आने वाले 5 साल में ये देश हिंदुस्तान ये दुनिया का नंबर एक का देश बनेगा, सुपर पावर बनेगा, सुपर पावर बनेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप पाकिस्तान की हालत देखो आज क्या है, उनकी मुलाकात देखो, जो पीओके में ऑक्यूपाई कश्मीर के लोग है वो कहते हैं हमको हिंदुस्तान में ले लो, या खाने को रोटी नहीं, हमको ब्रेड का टुकड़ा नहीं मिल रहा है, हाथ को काम नहीं है, लोग वहाँ एक ब्रेड के टुकड़े के लिए एक दूसरे को कितने झपट रहे हैं, पाकिस्तान हम लोगों से कितना खेलता था, आज क्या पाकिस्तान की हालत हो गई है, आज राजनीतिक हालत वहाँ की क्या है, आज फाइनेंशियल हालत उसकी ऐसी है कि उनका कुछ ही नहीं बचा है, पहले उनके सुई नहीं उनके यहाँ बनती, सब बाहर से लाते हैं, उसके बाद में ये सभी बातों में सब गलत बातों में फंसकर पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हो गई है कि वहाँ का भी आदमी चाहता है कि भाई हमको हिंदुस्तान में लेके, ये मुलाकात आ रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कह रहे सब लोग, पीओके में कहते हैं लोग कि भाई हमको ये हमको ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं रहना है, हमको हिंदुस्तान में, वहाँ कितनी सुविधा बाजू में कश्मीर में, वो लोग भी देख रहे हैं। मुझे इसलिए लगता है कि हम लोग सब इकट्ठा मिलकर रह रहे हैं इस देश में, सभी समाज, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग सभी आनंद से रहते हैं, मजे से रहते हैं। और हमारा गांव तो ऐसा है कि हमारे गांव में कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिलता, बाकी जगह कुछ भी हो थोड़ा बहुत कुछ लोग चलते रहती, धार्मिक स्थल से झगड़े होते रहते, इससे होते रहते, विरोध से होते रहती, लेकिन हम तो इतना आराम से इतना शांति से यहाँ पे रहते हैं कि मैं भी बाहर ही रहता हूँ, महीना महीना पर आते हैं, जो कुछ भी त्योहार रहो कुछ रहो ये रहो, मैं आता ही नहीं इधर, आप भाई सब निपट लो, आप सब कर लो, क्योंकि मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि हमारे गांव में भरोसा है कि कोई गलत काम यहाँ पे नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, मुझे लगता है इसी में हमारी सबकी भलाई है। अभी इलेक्शन का माहौल शुरू हो गया है, 5 साल पूरे हो रहे हैं, हमारे काम आपके सामने है, सामने वाले लोग
देखो क्या क्या कर रहे हैं, झंडा लगाने की कोशिश भी है, कोई फेसबुक पे ये डाल रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई व्हाट्सएप के माध्यम से कोई तो ये पोस्ट कर रहा है, इसके साथ ख्याली मत दो। ये जो कर दे दो चार बात लोग गलत काम करते रहेंगे, कोई फेसबुक पे बोलेंगे, कोई व्हाट्सएप पे बोलेंगे, जान बुझ के झगड़ा कैसा होगा, अलग अलग लोग कैसे हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है अभी पिछले समय में 27 के 27 लोग अपने आ गए, ये भी उनको मौका नहीं मिला, बेचारे परेशान है। तो अभी 5 साल तो कहीं दिखे नहीं, अभी सब बर्थडे मनाने लगे। हाँ भाई क्वार्टर लो, हाफ लो, खम्बा लो, चल रहा है। 5 साल में आपने किसी ने तो बर्थडे मनाया नहीं, हमको किसको याद किया नहीं। अभी इलेक्शन का माहौल शुरू हो गया 2-4 महीने में, तो तुरंत अभी बर्थडे शुरू हो गया। आओ भाई खाओ पियो फेस करो, सच बोलता है, सही बात है कि नहीं। 5 साल में अभी तक किसी को कभी बुलाई नहीं, फोन कर करके आ रहे भाई तू भी आ रहे भैया ये ढाबे पे, वो ढाबे पे जाके बैठ, इधर व्यवस्था है, इधर व्यवस्था है। अरे भाई क्यों गलत मार्शल आप लोगों को लगा रहे हो, हमने तो कभी कहा नहीं किसको क्या के शराब पियो या ढाबे पे बैठो या पैसे लो, मेरी तो ये मेरा तो काम ही नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में काम कभी किया ही नहीं, किसी के लिए नहीं किया। तो इस बात से इतना मुझे मतलब नफरत है इस बात की, शराब क्या पीते हो, तम्बाकू क्या खाते हो, सिगरेट क्या पीते हो, क्या हालत मुझे तम्बाकू खाने वालों की। श्रीराम महाजन की हालत देखो क्या हुआ, नहीं मैंने तो सिगरेट 4-5 साल पहले छोड़ दी, मैं बोला लेकिन वो नहीं छोड़ती ना आपको, आपने इतने साल जो सिगरेट बीड़ी पिया है उसका नतीजा ये हो गया, कितना खराब बात, मतलब जान पे बनाई, कितनी कोशिश करके हमको टाटा हॉस्पिटल में बॉम्बे हॉस्पिटल में इनको बचाना पड़ा। मुझे ऐसे लगता है कि भाई जिन बातों से सब आप लोग दूर हो, क्यों शराब पीनी चाहिए, क्यों ढाबे पे जाना चाहिए, हमारे सब यंगस्टर है, जवान बच्चे हैं, कहाँ जा रहे हम लोग आजकल, आज बाहर पे देखो तो सब जगह भीड़ वही रहती है, देशी दारू पे देखो तो जवान बच्चे वही पड़े रहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है ये बातों से बाकी ये नेता लोग आने के लिए पानी शुद्ध पानी हम बिस्लरी वाटर ये बोतल में पानी मिलता है उससे भी अच्छा शुद्ध वाटर हम आपको प्यूरिफाइड करके सोनबल्डी में वहाँ से आपको दे रहे हैं, और हर तीसरे चौथे दिन पानी आ रहा है हम लोगों को, दूसरे दिन के लोगों को देने दूसरे दिन पानी मत दो, तीसरे दिन पानी दो तो हमको दूसरे दिन होना नहीं पाएगा। अपन देवाच्या दरबारात आहोत, आपण आपापसली शांती दवा आपण खरोखर भाग्यवान आहोत, आणि त्यातल्या त्यात भाऊ खूप भाग्यवान आहे की हजारो वर्षापूर्वीची वास्तू हे देवालय याला साधा एक एवढ्या वर्षामध्ये कुठल्याही नेतृत्वाने या ठिकाणी हात लावलेला नव्हता, परंतु भाऊ आपण खूप भाग्यवान आहात की एवढ्या शाश्वत दैवताला ज्याला जागृत देवस्थान म्हटलं जातं ह्या गावाचं हे वेगळं अस्तित्व या ठिकाणी आहे, आणि या शहाजानशाह वली कैटवाले बाबांच्या आशीर्वादानं अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त होता होता वाचलेले आहेत, यांच्या आशीर्वादाने अनेक लोक खूप मोठ्या पदावरतीही गेलेले आहेत, हा विश्वासाचा खूप मोठा भाग आहे, आणि हजारो वर्षापूर्वीची वास्तू आणि त्या वास्तूचं नूतनीकरण भाऊंच्या हस्ते होणं म्हणजे भाऊ सुद्धा एक वेगळा म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो दैविक शेतीचं प्रतीक आहे की ही गोष्ट भाऊंच्या हातून या ठिकाणी होते, याला ईश्वरी कार्य म्हणतात, आणि ईश्वरी कार्य ह्या हजारो वर्षानंतर भाऊंच्या हस्ते होत आहे म्हणजे ही वेगळी शक्ती भाऊंच्या रूपाने आपल्यामध्ये वावरत आहे, आणि या शक्तीला खरा आधार खरा आशीर्वाद कैटवाले बाबांचाच आहे। भाऊ जेव्हाही फॉर्म भरायला जातील किंवा काही कुठलंही शुभ कार्य करायला गेलं त्यावेळेला आम्ही इथं सादर चढायला येतो, बाबांचा आशीर्वाद या ठिकाणी घ्यायला येतो, त्याचं एक त्या ठिकाणी देणं लागतं, आणि ते देणं लागत असताना आपले जे नगरसेवक आहेत रिजवान असेल, खलील भाऊ असेल, नाजीम पार्टी असेल, आपले उपनगराध्यक्ष असतील, गटनेते असतील, नुरुबा असेल, सर्व नगरसेवक या सगळ्या आजी माजी नगरसेवकांनी या ठिकाणी भाऊ रस्ता पाहिजे, आवाज येतोय ना, भाऊ रस्ता पाहिजे, रस्ता या ठिकाणी दिला,
रस्ता अपन बघताय या ठिकाणी रिजवान ने सांगितलं की रस्त्याच्या दोन बाजू भाऊ नाना भाऊ आपल्याला पेवर ब्लॉक बसवले पेवर ब्लॉक जर बसवले तर सुंदर असं सुशोभीकरण आपल्याला या ठिकाणी करता येईल तोही विचार या ठिकाणी झाला रस्ता या ठिकाणी दिला गेला त्यानंतर आपलं उपनगराध्यक्षांचं म्हणणं पडलं की बा इथं लाईटही पाहिजे रस्त्यामध्ये आपण लाईटही उभे केले म्हणजे ज्या ज्या वास्तूचं वैभव कदाचित ते भाऊंच्या हस्तूनच होणार असेल हे लिहिलेलं असतं आमच्या हिंदू शास्त्राप्रमाणे लिहिलेलं असतं की पूर्ण 5000 वर्षानंतर एखाद्या पवित्र व्यक्तीच्या हातून या ठिकाणी एक गोष्ट घडत असते ती पवित्र आत्मा म्हणजे आपले भाऊ की त्यांच्या हातून या हजारो वर्षाच्या वस्तूला आज या ठिकाणी हात लावला जातोय मी भाऊंना सांगितलं की भाऊ या ठिकाणी कंपाऊंडही अपेक्षित या लोकांचं असं म्हणणं की कंपाऊंड पाहिजे आपण म्हटलं आपण काही जेवढं नियमात बसवता येईल तेवढं आपण कंपाऊंड या ठिकाणी देऊ परंतु आज या ठिकाणी भाऊंनी पहिल्यांदा 1 करोड रुपये या ठिकाणी भाऊंनी दिले आणि मनापासून दिले रस्ता झाला लाईट झाला या ठिकाणी आता हे वास्तूचं बांधणी या ठिकाणी होणार आहे म्हणजे भविष्यात जे एखाद्या वेळेला ती बाजूची जी भिंत आहे ती कमकुवत झालेली आहे तर ती परिपूर्णतेस यावी यासाठी भाऊंनी मनापासून एवढा मोठा निधी दिला आपण अगोदर इस्टिमेट केलं सगळ्या नगरसेवकांनी अक्षरशः भांडून म्हणजे आमचे प्रत्येक गोष्ट की भाई हो नको जेवणा म्हणजे इतकं मनापासून हे काम झालेलं आहे आणि परमेश्वर आपल्या सगळ्यांना याच पद्धतीने हे कार्य चांगल्या पद्धतीने घडवण्याची शक्ती देव अशी मी प्रभूजींनी प्रार्थना करतो आणि भाऊंना विनंती करतो की भाऊ आपण या ठिकाणी या संपूर्ण पवित्र स्थानी आपण या सगळ्यांना संबोधित करावं अशी मी अब दातों और मसूरों की कोई भी तकलीफ का इलाज एडवांस तरीके से भुसावल शहर में मसूरों से खून आना मुंह से बदबू आना दार हिलना दांतों को सफेद करना स्क्रू से दांतों को बिना दर्द बैठाना बुजुर्गों के दांत बैठाना छोटे बच्चों के कीड़े हुए दांतों का इलाज करना दांतों के कलर का सीमेंट भरना रूट कनाल करना दांतों के कलर का कैप बैठाना लेजर ट्रीटमेंट और दांत संबंधी सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा संपर्क सिटी स्माइली मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर अजहर शेख BDS MDS पुणे अस्पताल का पता याद रखें 3 नंबर स्कूल के सामने सिटी न्यूज ऑफिस के बाजू में रजा टावर के पास खड़गा रोड भुसावल जानकारी और अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 8010706319 7798477689 भुसावल शहर में पहली बार आलीशान इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है नामांकित कंपनी के घरेलू सामान पर 50% डिस्काउंट तक छूट आलीशान इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे नामांकित कंपनी के मिक्सर कुकर फैन गीजर प्रेस डिनर सेट फ्रिज वॉशिंग मशीन एसी व अन्य होम किचन प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट तो अभी एक बार अवश्य पधारें दुकान का पता नेशनल हाईवे नंबर 6 आलिशान वाटर पार्क के आगे भुसावल जिला जलका मेट्रो स्टेशनों की तरफ अब भुसावल रेलवे जंक्शन पर लेडीज वेंडर देंगी आपको खान पान की सेवा जिसके लिए चाहिए लेडीज वेंडर जिस किसी लेडीज को जॉब पाना है तो अभी संपर्क करें 8461096364 पर नदीम बागवान को We are the trendsetters in education. We are now in Bhusawal. आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सतपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित मरहुमा हज्जन शकीला बी अब्दुल वहीद देशपांडे कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है साथ ही किफायत बी नजीर अहमद पटेल इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट JEE सिविल सर्विसेज एंड MHCET वह बता दें कि आपको बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम कंप्यूटर रूम डिजिटल लाइब्रेरी लेबोरेटरी इंटरनेट फैसिलिटी पीने के लिए शुद्ध जल प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा व्यवस्था के साथ तो जल्द करें अपने बच्चों का एडमिशन 1 फरवरी से एडमिशन फॉर्म शुरू होंगे तो स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस हिना पार्क ग्रीन पार्क के करीब विवेकानंद स्कूल के पीछे भुसावल पिन कोड 425201
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271392591 9159 96 9786। ईमेल आईडी bspatel@educationalcampus@gmail.com, वेबसाइट bspatel@educationalcampus.com। डिलक्स फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे कुशन सोफा सेट, बेडरूम सेट, कारपेट, चेयर, डाइनिंग टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन, फ्रिज व अन्य प्रकार के घरेलू सामान। व आपकी सुविधा के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 0% से फाइनेंस भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8600880230।